Welcome to Aldi Tips with Sita Samala. वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्दी टिप्स विद सीता तमन्ना। आज मैं आपको सिखाऊंगी चाप मसाला। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आप देख सकते हैं ये मैंने आधा किलो चाप ली है। आप देख सकते हैं ये आधा किलो चाप है, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने बॉईल करके रख ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे चाप को। लेकिन गैस की फ्लेम हमें मीडियम आँच पर ही रखनी है ताकि जल ना जाए। अब हम इसमें चाप फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आप देख सकते हैं चाप हमारे कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी चाप को भी फ्राई कर लेते हैं। इसका भी मैंने इस तरह से निकाल लिया, इस तरह से। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इस तरह से इसको 3 पीसेस में कट करना है। अब देख सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 4 प्याज काटे हुए हैं, 5 टमाटर लिए हुए हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, कुछ कलियां लहसुन की और 4 हरी मिर्चें हैं। अब इसको प्याज को मैं फाइन चॉप करूंगी और टमाटर अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को मैं पीस दूंगी, मिक्सी में पेस्ट बना दूंगी। प्याज को इसमें डाल के हम फाइन चॉप कर देंगे। अब इसे हम खोल के चेक करते हैं। ये देखिए प्याज हमारे कितने फाइन चॉपिंग हो चुकी है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। ऐसे हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें 2 कड़छी ऑयल डालेंगे। हमारे ऑयल गर्म होता है, गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। आप देख सकते हैं खड़े मसाले हैं, हम इनको थोड़ा थोड़ा कूट लेते हैं दरबारा। आप देख सकते हैं इसमें साबुत सूखी 2 मिर्चें हैं, दालचीनी है और तेज़पत्ता है, जीरा। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है। अब हम ये सारी चीज़ें ऑयल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। इस तरह से भुनेंगे। आप देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटे प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे, फाइन चॉप, इस तरह से। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन भुनेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक भूनते रहेंगे। हमारे प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम भूनते रहेंगे। देखते हैं हमारे प्याज गोल्डन आप देख सकते हैं हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का हल्का इस तरह से भूनेंगे। ये पक चुका है। अब इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट हमने रेडी किया है उसको डालेंगे। देख सकते हैं ये हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था, अब इसको डालेंगे इसमें। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह से टमाटर को मिक्स करके पकने देंगे। इस तरह से अब हम कढ़ाई को ढक देते हैं जब तक टमाटर पकते हैं। टमाटर अच्छे से पक जाए, अब इसमें 2 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अब हम इसे ढक देते हैं टमाटर पकने के लिए। हटाकर देखते हैं कि हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे टमाटर पक चुके हैं।
बिस्किट हमारे पक चुके हैं। अब मसालों को बैलेंस करने के लिए हम इसमें एक कटोरी दही ऐड करेंगे, कर्ड एक कटोरी दही ऐड करेंगे। एक कटोरी हमने दही ऐड कर दिया ताकि मसालों का फ्लेवर एकदम बैलेंस हो जाए, दही फट ना जाए, इसलिए हम गैस को मीडियम फ्लेम करके इस तरह चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इस तरह से और इनको अच्छी तरह पकने के लिए ढक के रख देंगे। 2 मिनट तक हम इस तरह ढक देते हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। आप देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले में तेल छोड़ दिया है, तेल ऊपर आ गया है, मसाला भुन चुका है अच्छी तरह। ये हमारा पक मसाला भुन के रेडी हो गया है। अब हम इस पर अपनी चाप ऐड करेंगे, ये जो हमने पीसेस कट किए हुए हैं इस तरह से हम चाप को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मसालों में अच्छे से मिलाएंगे हम। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 1 मिनट तक ढक देंगे, इस तरह पकने देंगे ढक के। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आई थिंक पानी मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 ग्लास पानी और ऐड करूँगी। इस तरह से मिक्स करके अब इसको ढक के पकाऊँगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह चाप के अंदर मिक्स हो जाए, चाप के अंदर सभी फ्लेवर आ जाए मसाले के। अब हम चेक करते हैं कि हमारे मसाले अच्छी तरह चाप में मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए चाप अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चाप मसाला ऐड करेंगे इस तरह से, और इसको मिक्स करके तब हम इसको 1 मिनट तक पकने देंगे। अब हम ढक्कन हटाकर देखते हैं। हमारी चाप रेडी हो चुकी है और मसालों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरह से, गैस ऑफ कर देंगे पहले, इस तरह से धनिया से गार्निश कर देंगे। मसालों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये हमारी चाप बनके रेडी हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।